দীর্ঘ লকডাউনে বন্ধ ছিল দোকান, লোন মেটাতে না পেরে আত্মঘাতী যুবক। দীর্ঘ লকডাউনে বন্ধ ছিল দোকান, যে কারণে মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি থেকে নেওয়া লোন মেটাতে পারেনি যুবক। অভিযোগ, কোম্পানির তরফে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছিল যুবককে। যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল বলে দাবি পরিবারে। শিলিগুড়ির শালুগড়ের নেতাজি নগরের বাসিন্দা ছিলেন বিকি প্রসাদ কানু। 8ই আগস্ট বাড়ির পাশে একটি মাঠ থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, কয়েক মাস আগে এক মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি থেকে 38,000 টাকার লোন নিয়েছিল বিকি, তার কিস্তিও দিচ্ছিলেন তিনি। এরপর জুলাই মাসে সেই লোনের সমস্ত কিস্তি মিটিয়ে 11,000 টাকা লোন নেন বিকি। পরিবারের অভিযোগ, সেই লোনের 2 সপ্তাহের কিস্তি দিতে না পারায় ওই ফিন্যান্স কোম্পানির এক কর্মী বিকি প্রসাদ কানুর উপর মানসিক চাপ দিতে শুরু করে। বাড়ির কাছে বিকির চায়ের দোকান ছিল, কিন্তু লকডাউন চলাকালীন তাদের দোকান বন্ধ ছিল, সে কারণে টাকা দিতে দেরি হবে বলে জানানো হয় কর্মীকে। কিন্তু অভিযোগ, এরপরই ক্রমাগত ওই ফিন্যান্স কোম্পানির কর্মী তাকে লোন পরিশোধ করার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। এরপরেই বিকির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। কোম্পানির কর্মীর চাপে বিকি আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ মৃতের আত্মীয় রাকেশ প্রসাদে। ঘটনার পর ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত নেমেছে পুলিশ। हम SKS कंपनी से लोन लिए थे, तो 31 जुलाई को हम 850 रुपया दिए, मेरा लड़का जाके दे के आया। उसके बाद 7 अगस्त को हम देने नहीं पा रहे थे, क्योंकि मेरा पास लॉकडाउन से पैसा नहीं था। होटल चलाता है मेरा बड़ा लड़का, तो हम छोटा लड़का का घर पर किया था। सर SKS कंपनी का सर, उनका नाम है साहेब चक्रवर्ती, उन्होंने फ़ोन करके मेरा बड़ा बेटा से बोला कि आपका मम्मी कहाँ है, तो बेटा बोला मेरा छोटा भाई का घर गया है, आप नंबर दीजिए। तो मेरा बेटा नंबर दिया, तो फ़ोन लेकर हमको बोला कि मोइना कानू, आप लोन आप किस्ती क्यों नहीं देते हैं। हम बोले सर आज तो पैसा नहीं है मेरे पास, बहुत मजबूर है, हम अगला सप्ताह आपको दे देंगे। तो बोला कि नहीं, आप जो भी हो कोई भी हालत से दीजिए, कितनी भी चाहिए, चाहे चोरी करिए चाहे जो भी करिए, आपको लज्जा नहीं लगता है, आप पैसा नहीं देते हैं, बस इतना करके फोन रख दिया। उसका बाद घर पर क्या होगा मेरा बुआरी बताएगा। उसके बाद सर दुकान पे आए थे, दुकान पे आने के बाद सर बोले किस्ती देना है, तो ये बोले सर अभी तो हम लोग का दुकान तो नहीं चल रहा है, लॉकडाउन से दुकान बंद है सर, आगे हफ्ता होगा तो हम लोग आपको लोन दे देंगे सर। तो सर बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, किस्ती जब तुम लोग लिया है तुम लोग को देना ही पड़ेगा, हम लोग का कंपनी नहीं मानता है। तो ये बोले सर अगर नहीं है तो हम लोग कहाँ से दें। तो सर बोले तुम कितनी बेचो या चोरी करो या डाका डालो कुछ भी करो, लेकिन तुम लोगों को मेरा किस्ती देना है। उसके बाद अब क्या उल्टा फुल्टा कुछ सर बोल के गला, बहुत देर तक मतलब 1.5 घंटा तक सर पूरा झमेला किए, बोले वहाँ पर 2-4 आदमी लोग था वो लोग को सामने भी झमेला किए। बोलने के बाद सर बोले कि कल हम लोग 2-4 आदमी को लेकर आएंगे, तुम लोग से पैसा कैसे निकालना हम निकालेंगे, या नहीं देने सका तुम एक काम करो, तुम फांसी लगा लो तुम्हारा किस्ती हम माफ़ कर देंगे। क्या बोले? तुम फांसी लगा लो तुम्हारा किस्ती हम माफ़ कर देंगे। वही बात सुनकर इसके पापा चले गए, रात को 9 बजे घर से निकल गए, मेरे कुछ बोले नहीं, मेरे बोले खाना बनाओ हम आएंगे तो खाएंगे, थोड़ा घूम कर आ रहे हैं यहाँ से निकले, रात को 10 बजे तक देखे वो घर पर नहीं आए।